हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग मेरा तरफ से। और अभी जैसे हम सो के उठा है और उसके बाद हम अभी थोड़ा फ्रेश अप कर लिया सो के उठने के बाद। उसके बाद अभी हम थोड़ा कपड़ा धोना है, उसके बाद कपड़ा धो के हमको ड्यूटी के लिए निकलना है। और उसके बाद जो भी हम आज दिखा सकेगा वही दिखाएगा, वही दिखाएगा बोल के तो नहीं बोल सकता, क्योंकि एक्सीडेंटली जो भी दिखा सकेगा वही दिखाएगा, क्योंकि हम कोई प्लान नहीं किया आज। ओके, जो भी दिखा सकेगा वो दिखाऊंगा। क्या होगा जो होगा होने दो गाइस। ओके, फिर मैं थोड़ा अभी खाना खा लेता है, उसके बाद खाना खाने के बाद थोड़ा ड्रेस वेस लगा के उसके बाद जो हमको ड्यूटी जाना है जैसे जाएगा, हम जैसे पहले बोला है जो भी दिखा सकेगा वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, कोशिश करूँगा। और नहीं भी दिखा पाया तो आई एम रियली वेरी सॉरी। जैसे आप लोग का एक्सपेक्टेशन है वैसे अगर नहीं दिखा पाएगा तो आई एम सॉरी। और उसके बाद अगर जैसे मैं वीडियो बनाता है वैसे ही आप लोग को अच्छा लगता है तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइस। थैंक यू सो मच गाइस। मैं आप लोग को अपना थोड़ा छोटा सा घर, अपना छोटा सा कमरा जहाँ पे हम लोग रेंट लेके बैठा हुआ है, वो अदक मामो निशा अदक काय फिरोज मुलुगाव में सतोदा डिब्रुगढ़ सब सिरिंग सपुरी रूम को थोड़ा दिखाएगा। रूम को नहीं, जस्ट थोड़ा कॉमन रूम को दिखाएगा, कैसे हम लोग सेटअप करके रखा है सिर्फ वो दिखाएगा। और ज़्यादा कुछ तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा मतलब दिखा सकता था, लेकिन मैं जस्ट अपना कॉमन रूम को दिखाना चाहता है। कुछ ऐसे सेटअप है हम लोग का। ऐसा कुछ है, ऐसा ये हम लोग का थोड़ा सा, ये थोड़ा हम मेहनत किया है। ये शायद मेहनत आप लोग को देख रहा होगा, इसमें वॉल पे हम कुछ ऐसे पोस्टर लगा के रखा है। सो दैट्स इट। और देखते रहिए ब्लॉग्स को। और एक बात बताना भूल गया गाइस, मेन थिंग तो ये है कि हम हिंदी में ब्लॉग बना रहा है, मिसिंग लड़का है, फिर भी हम हिंदी में ब्लॉग्स इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मैंने अपंग ब्लॉग्स अपंग मैंने तादोप जस्ट आई एम ट्राइंग दैट। सो आई होप कुछ भी अगर गलत बोला, मैं हिंदी में इतना शूट नहीं हूँ, यू ऑल गाइस यू नो दैट हिंदी में उतना शूट नहीं हूँ और इंग्लिश में भी इतना परफेक्ट नहीं हूँ ग्रामेटिकली, फिर भी आप लोग को हम जानता है और हमको भी आप लोग ऑलरेडी जानता ही है, हम एस एन अरुणाचली गाय, हम इतना हिंदी में भी शूट नहीं बोल सकते और इंग्लिश में भी इतना ग्रामेटिकली हम परफेक्ट नहीं हो सकते, फिर भी आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, आई एम जस्ट लर्निंग एंड आई कीप ऑन लर्निंग। सो गाइस, मैं हो गया रेडी, ऐसे अभी रेडी हुआ है, कपड़ा धो लिया और खाना भी बना लिया, खाना बना के खा के अभी रेडी हो गया, तो अभी जाता है ड्यूटी। मेरा टाइम हो गया ड्यूटी जाने के लिए, सो चलो ड्यूटी जाता है। और ड्यूटी जाते जाते क्या दिखा सकता है आई विल शो यू। और थोड़ा बॉडी स्प्रे लगा लेता है, मैं यूज़ करता है विलेन का, ये बहुत बहुत अच्छा है और बहुत लास्टिंग भी कर रहा है। 3 महीना ऑलमोस्ट होने वाला है, इतना ही गया है। ये आपका यूज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बस दो दो बार मार देता है, वो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो गया क्या स्मेल है यार। तो फिर क्या कर रहा है अभी, चलो लेट हो रहा है भाई, चलो चलो चलो। पिज्जा कैसे बनाता है यहाँ पे, सो आई विल जस्ट ट्राई टू शो यू। ज़्यादा अगर
नहीं, आप देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। गाइस जैसे आपने देखा कैसे बनाता है, कितना डिलीशियस, मतलब आपको अभी हम दिखाई दिया था कितना डिलीशियस लगता है ना, मतलब कहा के पगला हो जाता है यार यहाँ पे। आप लोग कहाँ पे है, डिब्रुगढ़ में आ जाओ, ये खाओ आप लोग। इसमें अभी आप लोगों को दिखाऊंगा यगर बॉम सॉस कैसे बनाता है। हम लोग यहाँ पे जस्ट बेसिक स्टाइल से बनाता है, ऐसे लाइक फ्लेयर बारटेंडर, इसका फ्लेयर बारटेंडर जैसे तो हम यहाँ पे नहीं बनाता। सो फिर भी आप लोग को पूरा दिखाने का कोशिश करूँगा। ये मोस्ट फेमस सॉस है यार, वन ऑफ द फेमस सॉस है। सो आप लोग को दादा में दिखाया। अभी वो एलिमेंट्स में अभी हम लोग का चल रहा था प्राइवेट पार्टी, प्राइवेट बुकिंग चल रहा था। उसमें आप लोग बर्थडे पार्टी मना सकता है या फिर जो भी पार्टी आप मनाना चाहते हैं आप मना सकता है, लेकिन आपको अगर आप सिर्फ प्राइवेट बुकिंग के लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आप लोग फॉलो करने से हो जाएगा। वो आप लोग अगर प्राइवेट पार्टी के लिए या फिर कुछ बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी ऐसे में अगर आप लोग को पूरा क्लब बुक करना है तो आप लोग
कॉन्टेक्ट कर सकता है हम लोग का फेसबुक पेज पे, एटमोसफेयर लॉन्च क्लब बोल के डिब्रूगढ़ बोल के निकलेगा फेसबुक पेज, और लॉन्च क्लब का दूसरा नहीं मिलेगा कहीं भी, आप शायद देखा भी नहीं होगा, जैसे आपने दिखाया था अभी वैसे पूरा अभी नॉट आसाम में नहीं है, ये हम लोग का डिब्रूगढ़ में एक्चुअली ये नॉट लाइक पासीघाट ड्रॉइंग नामसाई ये सब में नहीं है, ओनली इन वन इन डिब्रूगढ़। सो आप लोग अगर विजिट करना है तो मेरा ये वीडियो देख के अगर आता है तो डेफिनेटली आप लोग को 10% डिस्काउंट में दिलाने का कोशिश करूँगा फूड्स में, लेकिन हाँ ड्रिंक में नहीं, ड्रिंक में तो मैं नहीं दे सकेगा। तो हम लोग का दो आउटलेट है, एक ही फ्लैट में दो आउटलेट है हम लोग का, रंगर प्लाजा डिब्रूगढ़ में आपको थाना चारियाली के सामने में मिल जाएगा, सो हम का जस्ट अपोजिट में। तो हम लोग का जो आउटलेट है उसका नाम है एटमोसफेयर लॉन्च क्लब, और दूसरा वाला का नाम है एलिमेंट्स ब्रू पब। तो यहाँ पे गाइस हम लोग का ब्रूअरी भी शुरू होने वाला है, जैसे कि आप लोग को पिछला वीडियो में मैं दिखाया था ब्रूअरी का जो बड़ा बड़ा टैंक यहाँ पे ऑलरेडी लग चुका है, प्रोसेसिंग अभी हम लोग का पाइपलाइन वगैरह का काम चल रहा है, वेल्डिंग वगैरह चल रहा है। तो होप करोगे और दो तीन महीना में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, और आप लोग नॉर्थ आसाम में आप लोग फर्स्ट होगा कि आप लोग ब्रू बियर पीने वाला मतलब यहाँ में अवेलेबल हो जाएगा। पीने वाला तो नहीं आप लोग को कहीं भी बाहर में पिया होगा, लेकिन बट इवन दो मैं बोल रहा हूँ ऐसे कोई कोई तो नहीं पिया होगा, उसके लिए तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप लोग खुद एक्सपीरियंस कर पाएगा कैसे बियर निकलता है, कैसे बन के आता है, वो सब भी दिखाई देगा। तो ज़्यादा बात को लंबा नहीं करते हुए यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ। अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए और थोड़ा ब्लेसिंग दे दो, और मेरा जो आप लोग देख ही रहे हम ऑफिशियल गाना भी डालता है और ब्लॉग भी साथ साथ में मैं डालने का कोशिश कर रहा हूँ और करूँगा, करता रहूँगा, और क्या बोलेगा ना बहुत बोल दिया होगा होगा तब तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि वो हमको बहुत ज़रूरी है। अभी तक मेरा चैनल मोनिटाइज नहीं हुआ है क्योंकि व्यूअर्स बहुत कम है ना, क्या करेगा भाई जी। फिर भी आप लोग जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग को बहुत बहुत प्यार मेरा ओर से, और विश यू हैप्पी न्यू ईयर, सबको अच्छा से रहना, सब खुश हो के रहना, मतलब सबको आई लव यू ऑल, लव यू ऑल, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।